हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मुझे एक खबर मिली थी, मैंने सोचा कि आपके साथ में शेयर कर ली जाए। दोस्तों, जो आपकी वैकेंसी के बारे में बहुत ही चर्चा चल रही है, तो मैं वैकेंसी की बता दूं कि 42,000 वैकेंसी के लगभग है, अभी तक कन्फर्म नहीं है बिल्कुल, पर 42,000 वैकेंसी है, क्योंकि अभी वैकेंसी बढ़ के आएगी। आपकी वैकेंसी जो थी PSC की, इसमें ऐड कर दी गई है, तो ये बढ़ के तो आएगी, तो 42,000 के करीब वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो मैं इसलिए ये क्यों कह रहा हूँ कि अब 3 अक्टूबर तक वैकेंसी नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि अभी जो पुलिस भर्ती बोर्ड है उसने कंपनियों को बुलाया है 3 अक्टूबर को, कि उन्हें जो फिजिकल और रिटन एग्ज़ाम कराना है उसके लिए उन्होंने कंपनी के आवेदन स्टार्ट किए हैं, तो कंपनी 3 अक्टूबर तक अपने आवेदन करा सकती है। तो इसमें होता क्या है कि जो भी इच्छुक कंपनी होगी वो उसमें आवेदन कर देगी, पर जो सरकार ने कंडीशन रखी है, सरकार ने कंडीशन ये रखी है कि जो भी कंपनी भर्ती कराएगी उसे फिजिकल से लेकर के रिटन एग्ज़ाम तक CCTV कैमरे में करानी होगी, मतलब CCTV कैमरे के अंडर में करानी होगी। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि वैकेंसी अब जल्दी आने वाली है, आप प्रिपरेशन में लग जाइए। और दोस्तों, मैंने अपनी जो GK की सीरीज स्टार्ट कर रखी है 5,000 क्वेश्चन की, वो सभी वैकेंसीज़ के लिए, जितनी भी आपकी UP पुलिस के लिए, अगर आप 5,000 क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आ जाए तो मुझे बता देना। ठीक है दोस्तों, आप उस सीरीज को ज़रूर ज्वाइन कर ले। और दोस्तों, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके घंटी के आइकन को ऑन रखें, ताकि जब भी वैकेंसी आए और जो भी न्यू नोटिफिकेशन आए मैं आप तक पहुंचाता रहूं। तो दोस्तों, यही थी आज की न्यूज़। जो भी न्यूज़ आती रहेगी आपको एकदम रियल न्यूज़ मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो बस आज का था यही टॉपिक, इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।